अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुडे विद नासिर टूर के साथ मैं हूं आपका होस्ट नासिर टूर। मैं आप सब लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट ने किस तरह से अवाम को बेवकूफ़ बनाया है और बिजली के बिलों को किस तरह से घुमा फिरा कर पेश किया है। कभी हुकूमत कहती है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जुलाई और जून की थी जो आपको अब के बिलों में लगी है, कभी कहते हैं कि हम लोगों ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अगले 2 महीने के लिए माफ़ कर दी है, कभी कहते हैं कि स्लैब रेट तब्दील करके हम लोगों ने जिन लोगों का बिजली का बिल या बिजली का खर्च 200 यूनिट तक है उनके ऊपर से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म कर दी जाती है, लेकिन फिर कहते हैं कि प्रेशर बढ़ने के साथ हम लोगों ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उन बिल पर भी ख़त्म कर दिए जिनका यूनिट सर्फ सुधा यूनिट 300। मगर हुकूमत करती क्या है, हुकूमत ने इस बार किया क्या है आवाम के साथ, उन्होंने चाल क्या चली है। जब आप लोग जानते हैं कि हर महीने के बाद मीटर रीडर आते हैं और मीटर की रीडिंग करते हैं कि कितने यूनिट सर्फ हुए हैं और सर्फ शुदा यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल आता है, जैसे ही हुकूमत ने यह ऐलान किया कि जिन लोगों का बिल या जिन लोगों के यूनिट्स 300 से कम सर्फ होते हैं उनके ऊपर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं लगेगी, तो मोस्टली लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी बिजली का यूनिट जो जलते हैं वो 250, 220, 230 तक इतने होते हैं या मैक्सिमम 280 तक चले जाते हैं। तो हुकूमत ने क्या किया, वापडा के मुलाजमीन को ये अहकाम जारी हुए कि जब आप लोग 1 महीने बाद रीडिंग करने जाते हैं, अगर किसी एक इलाके की रीडिंग 15 तारीख को होती है तो उन्हें हुक्म हुआ कि आप लोग उसकी रीडिंग 15 की बजाय 20 तारीख को करें, जिससे 5 दिन का फ़र्क आया और 5 दिन में कम से कम 25 से 30 यूनिट एक्स्ट्रा जल गए। अब किसी को लगता होगा या कोई सवाल ये उठाएगा कि यहाँ पर हुकूमत को तो 5 दिन कम हो गए, हुकूमत को जो रेवेन्यू 5 दिन पहले मिलना था वो 5 दिन बाद में मिलेगा। नहीं, हुकूमत ने 5 दिन रेवेन्यू लेट किया, मगर उससे हुकूमत को फ़ायदा क्या हुआ कि जिन लोगों के यूनिट 280 सर्फ होते थे तो उनके ऊपर से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लागू नहीं होती थी, लेकिन जब 5 दिन के बाद उन्हीं की मीटर की रीडिंग की गई तो सर्फ शुदा यूनिट जो 30 दिन में सर्फ होते थे वो 35 दिन का जो बिल था वो बना हुआ था, जो सर्फ शुदा यूनिट थे वो 35 दिन के थे। तो हजूरे वाला उस 35 दिनों में यूनिट जहां 1 महीने में 280 जलते थे या 270 जलते थे वो आज 305, 301, 302 या 300 से ऊपर चले गए, जिससे उन तमाम घरों के बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लागू हो गया और हुकूमत ने इस तरह से बहुत सारा पैसा अपनी जेबों में डाल लिया। पाकिस्तान के अवाम रोज़ाना इतना टैक्स देती है हर चीज़ के ऊपर टैक्स, मगर ये टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। हुकूमती जो अहदेदार हैं या हुकूमत की जो काबीना है उसका साइज़ क्या है, पाकिस्तान की मुश्किलात जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं वैसे ही पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की काबीना भी बढ़ती जा रही है। ये वक्त है हुकूमत वक्त का और इदारों का कि वो पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान के दौरान संभाला दें, अपने एक्सपेंसेस को कम करें और आवाम को थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।